नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने संकर प्रजाति की सब्जी, मसाला, फूलों की खेती अथवा मधुमक्खी पालन के लिए 75% से 90% अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014 से 2015 में 245 लाख रुपए के सापेक्ष 81.67 लाख रुपए अवमुक्त कर जनपदों को वितरित किया जा चुका है। उद्यान विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में लागू है तथा इसके अंतर्गत संकर शिमला मिर्च की खेती, यूरोपियन सब्जियों की खेती एवं संकर कद्दू वर्ग सब्जियों की खेती के साथ साथ लहसुन, धनिया व मिर्च जैसे मसालों की खेती और गेंदा, गुलाब के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में जेनेटिक मॉडिफाइड यानी अनुवांशिक संवर्धित बीजों के प्रयोग को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ने 15 अनुवांशिक संवर्धित फसलों के फील्ड ट्रायल की अनुमति दे दी है, मगर कुछ संगठनों के कड़े विरोध के चलते केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने उन्हें ट्रायल पर रोक का आश्वासन दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नवीन राज के नलकूप निर्माण योजना के अंतर्गत 3000 नवीन राज के नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन राज के नलकूपों के निर्माण पर 39,071.48 लाख रुपए की लागत आएगी। नाबार्ड की सहायता से इस परियोजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2012-13 में की गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूरा कर लिया जाएगा। सी मैप MSME के निर्देशों के बीच औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों को उद्यमी बनाए जाने पर सहमति बनी है। लखनऊ, इटावा, झांसी एवं मैनपुरी जनपदों में 126.74 करोड़ की लागत से अपना किसान बाजार का निर्माण किया जाएगा। इन जिलों में इन बाजारों के बनने से किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध होगी। एग्री मॉल की तरह से कार्य करने वाले इन बाजारों को अपना बाजार के नाम से जाना जाएगा। कामधेनु योजना के अंतर्गत मार्च 2015 तक प्रदेश में 2,925 डेयरियां खोली जाएंगी। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के अनुसार इस योजना के तहत कामधेनु डेयरी की 425 एवं मिनी कामधेनु डेयरी की 2500 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। कामधेनु योजना में 100 दुधारू गाय अथवा भैंस तथा मिनी कामधेनु योजना में 50 भैंस व गायों की डेयरी ब्याज मुक्त ऋण देकर स्थापित कराई जाती हैं। खाद, बीज सहित खेती से जुड़े सभी आवश्यक संसाधन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा रवैया अपनाया है। इसके अंतर्गत तय किए गए मूल्यों से अधिक वसूली करने पर बिक्री केंद्रों के खिलाफ मौके पर ही कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में नई पशु प्रजनन नीति के तहत संकर प्रजनन व विशेष जोर दे रही है। प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री ने विभाग के आला अधिकारियों को यह नीति सक्रियता से लागू करने की हिदायत दी है। इस नीति के तहत पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति में प्रत्येक पशु चिकित्सा केंद्र क्षेत्र में पशुओं में बांझपन निवारण शिविर भी लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पशु में बढ़ रहे बांझपन का इलाज कर उनसे पुनः दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जा सके। हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल के कारण फसलों की गुणवत्ता एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव से बचने के लिए फसलों पर होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग करके देखा गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। परीक्षणों से पता चला है कि इन दवाओं के प्रयोग से खेतों को खतरनाक रसायनों से बचाते हुए अच्छी कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है। इस तकनीक के लिए विशेष दवाओं की खोज की गई है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामायिक सलाह। धान वाले क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा सामान्य से काफ़ी कम हुई हो, वहाँ धान की फसल के स्थान पर सीमित सिंचाई उपलब्धता की दशा में कम समय में तैयार होने वाली बाजरा की संकर प्रजातियाँ तथा उर्द मूंग की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए। यदि संभव हो तो बाजरे की फसल में मूंग, उर्द एवं लोबिया की सहफसली खेती की जाए, जिससे कि कम वर्षा की स्थिति में जोखिम की संभावना कम रहे। प्रतिकूल मौसम के कारण रोपाई के बाद जो पौधे मर गए हों, उनके स्थान पर दूसरे पौधे शीघ्र लगाए जाएं, ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में
पौधों की संख्या कम ना हो पाए और अच्छी पैदावार प्राप्त हो। जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हुई है, वहां जून में रोपित फसल में सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2% यूरिया व पोटाश का छिड़काव करें। जल भराव वाले क्षेत्रों में यूरिया की मात्रा की दोगुनी मिट्टी में 1/4 गोबर की खाद मिलाकर 24 घंटे तक रखने के उपरांत टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। ऐसा करने से यूरिया रिसाव द्वारा नष्ट नहीं होगा। खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलों यथा अरहर, बाजरा, उर्ग, मूंग, तिल की बुआई बीज शोधन के उपरांत ही करें। इस समय सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों अथवा संस्तुति के अनुरूप विभिन्न कीटनाशकों का प्रयोग करें। बेहन हेतु पाद गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की नर्सरी में बुवाई करें तथा पूर्व से बोए गए तैयार पौधे की रोपाई भी यथाशीघ्र करें। मध्यकालीन फूलगोभी पंत शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, हिसार नंबर 1 एवं पूसा सिंथेटिक प्रजातियों की पौधशाला में 15 सेंटीमीटर ऊंची, 60 सेंटीमीटर चौड़ी व आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियों की बुआई करें। अदरक में कंद सड़न व्याधि दिखाई देने पर चेस्टनट कंपाउंड 11 भाग अमोनियम कार्बोनेट, 2 भाग कॉपर सल्फेट का छिड़काव करें। क्षतिग्रस्त पौधों को शीघ्र बदल दें। जल भराव वाले क्षेत्रों में पौधों को ऊंचे माउंट पर लगाएं। आम, जामुन, नीम, अर्जुन के बीजों की बुवाई अंकुरण क्यारियों में करें तथा अंकुरण के उपरांत थैलियों या क्यारियों में स्थानांतरित कर दें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं भड़ौत मंडी में 1,465 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,445 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 1,440 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 1,475 रुपये प्रति क्विंटल, रूरा में 1,415 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल भड़ौत में 2,140 रुपये, कानपुर में 2,120 रुपये, डिबाई में 2,075 रुपये, बिजनौर में 2,180 रुपये, रूरा में 2,195 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना भड़ौत में 3,300 रुपये, कानपुर में 3,220 रुपये, डिबाई में 3,350 रुपये, बिजनौर में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ भड़ौत में 2,910 रुपये, कानपुर में 3,250 रुपये, डिबाई में 2,975 रुपये, बिजनौर में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आलू भड़ौत में 1,625 रुपये, कानपुर में 1,660 रुपये, डिबाई में 1,550 रुपये, बिजनौर में 1,600 रुपये, रूरा में 1,565 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज भड़ौत में 1,930 रुपये, कानपुर में 1,720 रुपये, डिबाई में 2,100 रुपये, बिजनौर में 1,880 रुपये और रूरा में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर भड़ौत में 3,025 रुपये, कानपुर में 3,220 रुपये, डिबाई में 3,140 रुपये, बिजनौर में 3,360 रुपये, रूरा में 3,510 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। केला भड़ौत में 1,355 रुपये, कानपुर में 2,550 रुपये, डिबाई में 1,625 रुपये, बिजनौर में 1,350 रुपये, रूरा में 2,465 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सेब भड़ौत में 8,260 रुपये, कानपुर में 7,810 रुपये, डिबाई में 7,500 रुपये, बिजनौर में 8,100 रुपये और रूरा में 7,915 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो सकुल गए हैं। सकुल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मूंगफली खरीफ की एक मुख्य तिलहनी फसल है। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि सिर्फ 100 ग्राम मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। भाई, अगर मूंगफली में इतनी खूबियां हैं तो क्यों ना हम अपने किसान भाइयों को इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दें, जिससे वे अच्छी उपज और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इसी क्रम में मूंगफली के खेती में सामयिक कार्य की जानकारी देने चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से डॉक्टर SK गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। निश्चित रूप से मूंगफली, जैसी मैडम ने बताया है कि तिलहनी फसलों में प्रमुख फसल है खरीफ की, और इस संबंध में हमारे जो कृषक भाइयों ने मूंगफली की फसल लगाई हुई है, प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने हमारी मूंगफली की फसल बोई है, उनको इस समय क्या क्या कार्य करेंगे जी, उसके संबंध में हम आज आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन किसान भाइयों ने समय से बुवाई की है उनकी फसल लगभग 30 से 40 दिन की हो रही होगी इस समय। लेकिन जो कृषक भाई हमारे बहुत ही विलम्ब से, अभी भी उनके मन में इस तरह की भावना है कि वो मूंगफली उगाना चाहते हैं, तो विलम्ब तो है, परंतु मूंगफली की एक बहुत ही विलम्ब से बोने वाली प्रजाति भी प्रदेश में उपलब्ध है, जिसका नाम TG37A है, जिसकी बुवाई भी अभी कृषक भाई कर सकते हैं और उससे भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा जो किसान भाई मूंगफली की बुवाई समय से कर चुके हैं जी, उनको अब अपनी फसल में पहली, कोई कुछ किसान भाई हमारे पहली निकाई कर रहे होंगे जी, कुछ लोग दूसरी निकाई गुड़ाई कर रहे होंगे, जिससे कि खरपतवार का नियंत्रण किस प्रकार हो सके। और जो कृषक भाई हमारे निकाई गुड़ाई का कार्य कर रहे हैं, उनको विशेष तौर से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो यहाँ पर निकाई गुड़ाई करके अपने खेत को खरपतवारों से मुक्त कर लें जी। साथ ही साथ जो बची हुई खाद
और उर्वरक हैं जिन कृषक भाइयों ने आधा उर्वरक और संपूर्ण फास्फोरस और पोटास जो है बेसल के रूप में डाला होगा, परंतु आधी नत्रजन की मात्रा और जिप्सम की आधी मात्रा तथा बोरेक्स 4 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो उसकी संस्तुति है उसको निकाई के समय पर वो अपने खेतों में मिला दें और ऊपर से निकाई करके उसको मिट्टी में मिला दें। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहें कितनी बार निराई गुड़ाई होना चाहिए? मुख्य रूप से मूंगफली में 2 बार निकाई गुड़ाई हाँ खुरपी के माध्यम से करनी चाहिए और इससे हमारी 2 फायदे होते हैं कि एक तो खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है, दूसरी एयरेशन फसल को अच्छा मिलता है जिससे कि पैदावार में अच्छी बढ़ोतरी होती है और अच्छी फसल की बढ़वार होती है। ऐसी स्थिति में जब हमारी दूसरी निकाई गुड़ाई हो रही हो 40 से 45 दिन के अंतर्गत कर लें, इसके बाद कोई भी निकाई गुड़ाई खुरपी के माध्यम से न करें, क्योंकि जब हमारी फसल 40 दिन की हो जाती है तो इसमें पैक्स बनना शुरू हो जाते हैं, खूंटियाँ जिनको कहते हैं। मूँगफली एक डिफरेंट तरीके की फसल है जिसमें फूल तो ऊपर आते हैं परंतु फलियाँ जमीन में अंदर बनती हैं और ज़मीन में बनने से पहले पैक्स जो हैं जिनको हम खूंटियाँ कहते हैं, खूंटियाँ ऊपर निषेचन के बाद बनती हैं और ज़मीन में अंदर जाती हैं और उसके बाद पॉड का डेवलपमेंट होता है, फलियों का डेवलपमेंट होता है। फलियाँ बनने तक या खूंटियाँ जाने तक निकाई गुड़ाई के सारे कार्य किए जा सकते हैं, परंतु जब खूंटियाँ ज़मीन में अंदर जा रही होती हैं उस समय उसके बाद कोई भी निकाई का कार्य नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कितनी बार सिंचाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। इस समय वर्षा भी अच्छी नहीं हो रही है और हमारे कृषक भाइयों ने जिन्होंने मूंगफली बुवाई की है, वैसे तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी मूंगफली जो है 100 mm वर्षा से लेकर और 400-450 mm वर्षा तक के क्षेत्रफल में मूंगफली की अच्छी फसल ली जा सकती है, परंतु इस वर्ष वर्षा की बहुत ही कम हुई है हमारे प्रदेश में और जिन किसान भाइयों ने मूंगफली की फसल लगाई हुई है और इन जिन किसान भाइयों की फसल 40 दिन के आसपास हो रही है और खूंटियों का डेवलपमेंट शुरू हो गया, पैक्स जमीन में जाना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में नमी बहुत ही ज़रूरी होती है। इनको हम क्रांतिक अवस्था भी कहते हैं। मूँगफली में 2 क्रांतिक अवस्थाएँ होती हैं, एक तो पैक फॉर्मेशन जो होता है खूंटियों का बनना और पेनिट्रेशन जो खेत मतलब ज़मीन में अंदर जा रही होती हैं, दूसरा पॉड डेवलपमेंट विकास फली का विकास। तो 2 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपके नमी बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाई अपने खेत को नम रखें और इसमें हल्की सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर वर्षा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो कमी होने पर अगर वर्षा की कमी है तो उन किसान कृषकों को हमारे को पानी जरूर अवश्य हल्की सिंचाई करनी चाहिए और इससे पॉड का डेवलपमेंट अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, अब आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि क्या क्या रोग फसल में लग सकते हैं और उससे बचाव के क्या बहुत अच्छी बात है। कीड़ों में जहाँ तक बात है, चूंकि 2 कीड़े प्रमुख रूप से इसमें आते हैं, एक तो दीमक और दूसरा सफ़ेद गिडार वाइट ग्रब जिसको कहते हैं। वाइट ग्रब का जो आक्रामकता है या जो जिसका प्रभाव जो है मूंगफली की फसल में शुरुआती स्टेज में देखा जाता है, क्योंकि वर्षा की मानसूनिक वर्षा पहली वर्षा होने के समय इसका प्रौढ़ जो है बाहर अंडे देता है और अंडे देने के बाद उसके लार्वीज जो हैं उसमें खेतों में जाके मिट्टी में आते हैं और जब लार्वी जो है उसी को लार्वी स्टेज ही मूंगफली को नुकसान करता है, प्रॉड इसका जो है नुकसान नहीं करता है, तो लार्वी को वो स्थिति इस समय नहीं है क्योंकि पहली मानसूनिक बरसात तो हो चुकी है और दूसरी भी हो गई है, ऐसी स्थिति में उनका डेवलपमेंट होके और उनका नुकसान जो कुछ होना होगा वो हो चुका है। लेकिन दीमक इस समय सूखा की स्थिति है, दीमक से नुकसान हो सकता है। दीमक ऐसा कीड़ा है जो फसल में पहले तो फसल की जो छोटी छोटी पतली पतली रूट्स होती हैं उनको खाते हैं और फिर इसके बाद जो पॉड्स होती हैं जब इनकी ज़्यादा मात्रा में ये कीट खेत में आ जाते हैं तो इनसे क्या होता है कि फसलों में जो फलियां बनती हैं फलियों में अंदर दाना ना होकर के मिट्टी भर जाती है, दाने को खा लेते नहीं हैं, बन पाते हैं। दाने को ये खा लेते हैं और मिट्टी को भर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में दीमक को कंट्रोल करना जरूरी होता है क्योंकि सूखे की स्थिति में दीमक का प्रभाव अधिकतर देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में कुछ जो किसान भाई हमारे जो हैं दीमक अपने खेत में
अगर लगी हुई देखते हैं तो ऐसा दिखाई जो लक्षण होता है दीमक का वो इस तरह से होता है कि जब भी आप खेत में से पौधे को उखाड़ेंगे बड़ी आसानी से उखड़ जाएगा। अच्छा। नीचे खोखली जड़ होगी और उसमें दीमक के एकाध जो है कीड़े रेंग रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब दीमक का आपके खेत में जो है आक्रमण हो चुका है। जी, जी। तो उनको जो पानी हमारे किसान भाई लगाएंगे तो पानी के साथ ही कीटनाशक जो है क्लोरोपाइरीफास है चाहे क्विनोलफास है, इन दोनों दवाओं में से कोई सी एक दवा 4 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से आप अगर पानी के साथ पानी जब लगा रहे हो तो उसमें सिंचाई के साथ साथ जी जी। उसको ड्रिपिंग मेथड से अच्छा। पूरे खेत में दवा को फैला दें। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को आपने जो जानकारियां दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान भी 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ स्थानों पर दिन में औसतन 4 घंटे खिली धूप रही। हवा की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दिशा पूर्व से पूर्वोत्तर रही। वातावरण में नमी दोपहर से पहले 84 से 94% तथा दोपहर के बाद 62 से 95% तक दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के ज़्यादातर स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम में आप अपनी फसलों तथा सब्जियों की खेती में निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा नत्रजन की दूसरी संस्तुत मात्रा का छिड़काव करें। इस मौसम में खेतों की निगरानी नियमित रूप से करें क्योंकि इस समय सफ़ेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, अतः इसके नियंत्रण के लिए उचित उपाय करें। इस मौसम में टमाटर, मिर्च, बैंगन में फल छेदक व शीर्ष छेदक तथा फूलगोभी व पात गोभी में डायमंड बेक मोथ का प्रकोप ज़्यादा होता है, अतः इसकी रोकथाम के लिए उपाय करें। किसान भाइयों, इस मौसम में अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मूंग व उड़द की कम अवधि वाली प्रजातियों की बुवाई कर सकते हैं। गन्ने की खेती में इस मौसम में भेदक कीटों का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से फैलता है, अतः इसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोकार्ट का प्रयोग अवश्य करें। नवंबर व दिसंबर में रोपाई हेतु फूलगोभी की पौधशाला बनाने का यह उचित समय है, इसकी तैयारी करें तथा प्याज की तैयार पौध की रोपाई मेड़ों पर करें। पौधशाला जमीन से ऊपर बनाएं तथा जल निकास का उचित प्रबंध करें। इस मौसम में सरसों के साग तथा पालक की बुवाई का कार्य उथली क्यारियों पर कर सकते हैं। इस समय आम की गुठली, अमरूद, कटहल व कागजी नींबू इत्यादि के बीजों की बुवाई का कार्य उठी हुई क्यारियों अथवा पॉलिथीन की थैलियों में की जा सकती है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।